नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ कुछ अच्छे विचारों, कुछ अच्छी चीज़ों को लेकर। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जो पहले वाली वीडियोस हैं वो बड़ी पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करना चाह रही हूँ, उस मुद्दे से दुनिया का कोई, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बुज़ुर्ग है या वो जवान है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस शब्द से नहीं जुड़ा, क्योंकि उसके बिना उसकी इस लाइफ में एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो मैं जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ वो है माँ और पिता। ये दो शब्द ऐसे हैं जिनके बिना हमारी लाइफ की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो लोग माँ को तो हर जगह प्रेफरेंस देते हैं, हर जगह मानते हैं, पर क्या कभी किसी ने पिता के त्याग, पिता के सामर्थ्य को समझा? माँ की ममता जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी अनुभूति है। सच भी है, माँ के समान कोई दूसरा नहीं होता। मानसिक जो हमारी भावनाएं हैं वो माँ से ज़्यादा कोई और नहीं समझता और ना ही कोई स्वीकार करता है। माँ है जिसके पेट से हम जन्म लेकर बाहर आते हैं, 9 महीने वो हमें पेट में कष्ट सहकर हमें अपने खून से सींचती है। लेकिन माँ ने हमें अपने खून से सूचा, पिता ने 9 महीने तक उस माँ की संभाल की कि हमारा बच्चा ठीक ठाक इस दुनिया में आ जाए। तो पिता का कंट्रीब्यूशन कहाँ से कम हुआ? वो भी तो बराबर का हिस्सेदार है। वो रातें जो माँ ने जागकर काटी, पिता ने भी बराबर जागकर काटी, पिता ने भी उसका ख्याल रखा। तो वो जो पिता है कई बार अपने हृदय में अपनी भावनाओं को दबा लेता है, बाहर नहीं आने देता, क्योंकि उसे प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि वो एक पुरुष है तो अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं वो जल्दी से व्यक्त नहीं कर पाता। पर पिता का कंट्रीब्यूशन कहाँ कम है बताइए मुझे। जब जब माँ जहाँ अटकी है वो बिना बोले माँ के पीछे खड़ा है हमें संभालने के लिए। उससे, उन बच्चों से पूछ के देखिए जिनके जीवन में पिता का अस्तित्व नहीं है, कि क्या होता है पिता का अस्तित्व, ये वही जान सकते हैं जिनके जीवन में उसकी कमी है। मावा ठंडियाँ छावा तो पिता एक वट वृक्ष है। तो जब पिता एक वट वृक्ष है तो उसकी छाया में तो हम पल रहे हैं, पर वो उसी वृक्ष की तरह खड़ा सर्दी गर्मी धूप सहता हम सबको ज़िंदगी देता चला जाता है और सोचता भी नहीं है। तो माता और पिता की, दोनों की हमारी ज़िंदगी में बराबर की वैल्यू है। दोनों का सम्मान करना सीखिए। सिर्फ ये मत कहिए कि पिता का हमारी ज़िंदगी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। माँ के पास तो सभी जाना चाहते हैं, लेकिन पिता के पास कौन जाना चाहता है? कौन पिता से अपनी सारी परेशानियों को शेयर करना चाहता है? कहते हैं कि माँ सरल स्वभाव की होती है और पिता कठोर होता है, क्योंकि वो गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर दोनों ही सरल हो गए तो बच्चे कैसे ऊपर पहुँचेंगे? क्योंकि कठोर होना पड़ता है, होना कोई नहीं चाहता। अपने बच्चों से कौन कठोर होना चाहेगा, आप सोच के देखिए, कोई नहीं होना चाहता। पर कई बार ज़िंदगी में परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि हमें कठोर होना भी पड़ता है, तो वो हमने बच्चों के अच्छे के लिए होते हैं। तो अगर पिता उस समय कठोर होता है तो हम उसको इतना बुरा क्यों मान लेते हैं? वो अपनी मानवीय भावनाएँ, संवेदनाएँ प्रकट नहीं कर पाता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करता। उसकी तो छाया वट वृक्ष की छाया है, जिसके नीचे पड़े खड़े होकर हम पलते हैं, अपनी सारी सुख सुविधाओं को अवेल करते हैं। वो सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करते हैं, आजकल माएँ भी वर्किंग हो गई हैं, वो डबल ड्यूटी करती हैं। तो किसी का भी स्थान हमारी ज़िंदगी में कम नहीं है, तो हम उसे कम ना करें। तो माँ की कहानी, माँ की जो स्टोरी है, अगर वो सुखद है तो पिता कहीं ना कहीं दुखद भी है। वो क्यों दुखद है? क्योंकि उसके बच्चे उसके प्यार को नहीं समझ पाते। वो तब समझते हैं जब पिता का साया उनके सिर से उठ जाता है, क्योंकि कोई उन्हें संभालने वाला नहीं होता। जब एक पिता
घर से जाता है तो कहा जाता है बच्चों का बचपन खत्म हो जाता है। तो माँ के प्यार में हमेशा हम दुनिया वाले पिता के प्यार को भुला देते हैं। तो कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे? अगर ये गलती कर रहे हैं तो इसको सुधारिए। अभी माँ की तपस्या को दुनिया देखती है पर पिता की तपस्या को कोई नहीं देखता। वो पिता जो आपके माँ के साथ आपकी माँ के पीछे खड़े होकर हर पल, हो सकता है आपके सामने आपकी हौसला अफजाई ना करता हो पर पीठ पीछे आपके माँ को ही वो हिम्मत देता हो कि नहीं कोई बात नहीं, बच्चा गिरा है तो उसकी हौसला अफजाई करो। हो सकता है वो कठोर बनने के चक्कर में आपको किसी के सामने डांट दिया हो, आपको जोर से बोल दिया हो, हो सकता है आपके पैसों का वो हिसाब मांगता हो, पर वो पिता है। वो क्यों आपसे ये सब कह रहा है? क्योंकि वो चाहता है आप जिंदगी में कोई गलतियां ना करें, आप जिंदगी की ऊंचाइयों को छुएं। तो पिता का मान कदर करना सीखिए। क्यों पिता अपनी चिंता ना कर संतान की भलाई में दर दर ठोकरे खाता है, रोज के दफ्तर जाता है और उसके लिए सारी भौतिक सुख सुविधाएं जुटाता है। हो सकता है पिता के पास आपके लिए टाइम ना हो, आपके पास बैठकर सारी चीज़ों को ना सुन पाए क्योंकि ऑफिस के प्रेशर्स भी बहुत हो गए हैं, काम के प्रेशर भी बहुत हो गए हैं और माँ उन सब चीज़ों को मैनेज कर पाती हो क्योंकि माँ को प्रभु ने ऐसा ही बनाया है कि वो सब कुछ एक बच्चे का बैठ कर दुख दर्द सुन सकती है। तो दोनों अपनी अपनी जिंदगी में का अपना अपना स्थान है पर दो एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये मान के चलिए कि माँ और बाप दोनों को अपनी ज़िंदगी में एक जैसा स्थान दीजिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और आप भी किसी एक के ना रहने पर ज़रूर अधूरे हैं। आज माँ के देख लीजिए, जिंदगी इतनी आसान नहीं है पिता के बिना बितानी। तो पिता जब बाहर जाता है तो वो जीवन जीने की कला भी आपको सिखाता है। हमारे हिंदुस्तान में आज कितनी लेडीज जो हैं वो बाहर नौकरी कर रही हैं, रेशो बहुत कम है। जब रेशो बहुत कम है तो परिवार को कौन संभाल रहा है? पिता संभाल रहा है। माँ ने हमें जन्म दिया है तो पिता ने हमें उस जन्म दिए हुए बच्चे को हाथ में लेकर संभाला और उसे ऊपर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी ली है, हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा है। तो हम अगर माँ का के दूध का कर्जा नहीं दे सकते तो हम पिता जो हमारा पालनहार है उसका कर्जा भी कहाँ दे सकते हैं? उसने भी तो अपना सुख त्यागा। तो अभी भी वक्त है, संभलिए माता और पिता दोनों को अपनी ज़िंदगी में स्थान दीजिए। मैंने आज तक बहुत सारी चीज़ें देखी, पढ़ी, सुनी, सब जगह पे सिर्फ माँ के गुणगान गाए गए। मैं कहती हूँ माँ के गुणगान गाइए, कोई बुराई नहीं है, मैं भी एक माँ हूँ। अच्छा लगता है जब कोई किसी माँ की तारीफ़ करता है पर पिता का स्थान ज़िंदगी में कहीं उससे ऊपर है। उसको ना निगलेक्ट कीजिए, उसको ना ठुकराइए क्योंकि पिता पिता ही है। वो खुद इतनी मर्जी ठोकरें खा लेगा ज़िंदगी में, उसको जैसे हालात मिले वो वैसे सेटल्ड है, पर क्या वो चाहेगा उसका बच्चा उन कठिन परिस्थितियों से गुजरे? नहीं, वो कहीं से भी करके कैसे भी करके वो चाहता है कि अगर आज मैं मजदूर हूँ, आज मैं कोई नाई हूँ, आज मैं कोई छोटा काम कर रहा हूँ, कोई मैं मोटर मैकेनिक हूँ, तो मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने। जो ज़िंदगी में कठिन परिस्थितियाँ मैंने देखी वो मेरा बच्चा ना देखे। तो पिता का कंट्रीब्यूशन हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़ा है, जिसके त्याग की, जिसके कंट्रीब्यूशन की हमारी कहीं महत्ता नहीं है, पर हमें वक्त रहते वो रियलाइज़ करना पड़ेगा। एक पिता के कंधों पे बहुत बड़ा भार रहता है, परिवार का, पत्नी का, बच्चों का। परिवार के जो बच्चे, पत्नी, माँ हैं वो तो आकर पिता के पास रो सकते हैं, वो पिता किसके पास जाके रो? सोचिएगा मेरे इस प्रश्न को और अगर आपके पास उत्तर हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि मर्दों को भी पीड़ा होती है पर हमारा समाज कहाँ समझता है इसको।
कहते हैं वो मर्द ही कौन है जो रोएगा, तो क्या उनको दुख नहीं होता, क्या उनको पीड़ा नहीं होती? बहुत होती है। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। पिता को अपनी जिंदगी में संपूर्ण स्थान दीजिए, उसका प्यार समझिए, उनके त्याग को समझिए, और मोटिवेशनल थॉट्स के रूप में मेरे जो विचार हैं वो डॉक्टर रेनू अरोड़ा डॉट इन के ऊपर उपलब्ध हैं। आप वहाँ जाकर रिटर्न में पढ़ सकते हैं, और फेसबुक और यूट्यूब पे तो आप लोग मेरे साथ जुड़े ही हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, ताकि बाकी लोग भी मेरे इन टिप्स से फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।